जिसका नाम आ रहा है। गाइज यहाँ पे सबके नाम आ रहे हैं, मेरा नाम अभी बाद में आएगा शायद से, क्योंकि अभी ये ए चल रहा है तो हो सकता है मेरा चला गया होगा यार। डबल ए पे आता है ना मेरा, तो डबल ए डी ए, सो ए के बाद बी, बी के बाद सी। वाह, हमें तो पता ही नहीं था ए के बाद ए बी सी डी आता कुछ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का आज के हमारे न्यू व्लॉग में। जैसे कि अभी बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है, बट आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। जैसे मैंने स्ट्रीम पे बताया था कि आज हमारा इवेंट है, मतलब दो दिन का इवेंट है सैमसंग अनपैक्ड। तो लास्ट टाइम भी दिल्ली में ही हुआ था और इस बार भी जो इवेंट है वो दिल्ली में है। सो आज है 17 और अभी बज रहे हैं 8:30 समथिंग मेरी फ्लाइट है, बट मैं थोड़ा जल्दी आ गई बिकॉज चेक इन वगैरह करना होता है। मुंबई का ट्रैफिक आपको पता है बहुत ज्यादा होता है। मैं वेट कर रही हूँ डायनो का, मतलब मेरे भाई का, बट उसका फ्लाइट भी अलग है और उसका टाइमिंग भी अलग है, तो इसलिए हम साथ में नहीं आए। मैं पहले आ गई और वो अभी आ रहा है, उसका चेकिंग वगैरह बाकी है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द इवेंट। वैसे ये जो इवेंट होने वाला है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी उसका कुछ भी, मैं आपको इवेंट में ही सब कुछ बताऊंगी और आप हमारे साथ इवेंट एंजॉय करिए। तो अभी चलते हैं, बैठते हैं, थोड़ा कुछ खाती हूँ, भूख भी लग गई है। वैसे मैंने कुछ ज्यादा खाया नहीं है घर पे बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग के पहले ज्यादा खा लो तो इतना अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं इसके लिए जब मैं स्मूदी लेने जा रहा था ना, तो लाउंज में ना जस्ट लाइक मेरे सिक्योरिटी चेकिंग के, जब मैंने सिक्योरिटी चेकिंग में घुसा, मेरे जस्ट पीछे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा एक एक्टर है ना, वो था। तो मेरे को उस टाइम पर उससे बात करनी थी, मैं उसको लाइक मैं उसको बोलता किया क्योंकि मेरे को कुछ कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं। एंड अभी मुझे एक और रीज़न की वजह से वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी उसकी शादी हुई है ना, इसलिए। वाह, तो शादी हुई तो क्या अच्छा लग रहा है। वो है अभी रीजन। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी मेरा बर्थडे आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पूछ रहे थे कि डायनो क्या गिफ्ट देने वाले, तो मैं आपसे पूछवा लेती हूँ। देखो क्या गिफ्ट देने वाले, मेरा बर्थडे याद है कब आ रहा है वैसे? 20 तारीख को आ रहा है, आज 17 है। याद तो है, ठीक है। तो बर्थडे गिफ्ट मतलब क्या मिलेगा, कुछ है? बर्थडे गिफ्ट में अभी तेरे लाया था मैंने बिजनेस कॉन्स से स्मूदी निकाल के, बर्थडे गिफ्ट ये लेके आया मैं। उसके बाद मैंने सिद्धार्थ मल्होत्रा से मैं मीटअप छोड़ दिया मेरा, मस्त उसके साथ भी बैठा होता बढ़िया अकेला। और यही है, देखो क्या देखो, तो रोज देखता हूँ घर में बैठे बैठे। तो मतलब मेरे से ज्यादा जरूरी ये सब है, मतलब देख रहे हो गए क्या बोले? जरूरी नहीं है बट हाँ, मतलब मुझे तो रोज ही मिलता है ऐसे, ठीक है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ऐसा है ना। हाँ देखो, स्मूदी दे दिया, स्मूदी कहाँ मिलती है यहाँ पे, कितने लोग बैठे हैं उनको तो वहाँ पे खड़े रहने का भी मौका नहीं मिलता। मैं तो वहाँ अंदर घुस के दो स्मूदी निकाल के फिर भाग। ठीक है गाइज, आप पूछ रहे थे लाइफ पे कि बर्थडे गिफ्ट क्या देने वाले, तो ये बर्थडे गिफ्ट है। अब ये मैं पी रही नहीं हूँ, अब मैं इसको संभाल के रखूंगी, थोड़ा ऐसे शोकेस वोकेस में सजा के रखूंगी कि मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट दिया था, ठीक है। इसको पीते नहीं है, हम रख लेते हैं। चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्होंने। चलो गाइज, हम लोग एयरपोर्ट पे बैगेज सेक्शन में पहुंच रहे हैं अभी, और जिस इवेंट में हम जा रहे हैं काइंड ऑफ ये सैमसंग का बोर्ड भी दिख रहा है सामने, देख रहे हो, वेलकम वगैरह हो रहा है हमारा। अभी मुझे बैगेज कलेक्ट करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। वहाँ पे डायनो वेट कर रहे हैं। अभी हम आपको मिलाते हैं कुछ क्रिएटर्स से, मतलब जो हमारे साथ है यहाँ पे। तो सबसे पहले है ये जो पूरा टाइम हमारे साथ थे बाजू में, बट हम पहली बार मिल रहे हैं एक्चुअली। तो मैंने सोचा था आपसे मिलूं और बात बात करूं, बट देन आप भी मुझे नहीं जानते और हम ऐसे मिले नहीं है कभी, तो आई थॉट कि ठीक है, ऑकवर्ड लगता है ना कभी, हाँ कि कैसे बात करूं, इसलिए मैंने भी कुछ बोला नहीं। बट आई न्यू कि आप स्पीरो करके, बिकॉज मुझे युक्ति ने बता दिया था कि वो आपके साथ है, बट देन आई न्यू कि आप जानते नहीं होंगे तो कैसे इंट्रो करूं कि हाय एज ए। तो सच्चा वी आर सो एक्साइटेड अबाउट द इवेंट एज वेल, बहुत मजा आने वाला है। ये मेरा पहला सैमसंग इवेंट है, सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। पहला है आपका? अब लास्ट वाले में नहीं थे? बिजी पीपल कास्टिंग एंड ऑल। गाइस हमारी कॉफी आ चुकी है एंड थैंक्स टू पायल, जो इन्होंने मेरा पूरा नाम नहीं लिखाया, आरड लिखाया है, बहुत प्यारा लिख दिख रहा है। हैं आरड, आरड निकनेम, आरड गॉट टू द डरा क्या? हां उल्टा। अच्छा हां, ओके ओके। वैसे हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, आपने मिस किया मुझे? हां आपको आपसे रील बनानी है ना, इसलिए। हाय राम, मतलब रील बनानी है तो मिस किया। कोई बात नहीं, एडिटर बहुत अच्छा मीम डालना यहाँ पे जिसमें बेइज्जती हो जाए। हेलो गाइस, सो वी आर बैक, बैक नहीं मतलब क्या यही ब्लॉग है, आई एम
क्या बोलती हूँ मैं दिमाग खराब हो गया बिकॉज मैं बहुत देर से वेट कर रही थी होटल चेक इन का. हमने खाना वाना खाया, रूम्स अवेलेबल नहीं थे इसलिए होटल से हम लोग थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे. खाना खाया, खाना अच्छा था, टोमेटो सूप सैलेड वगैरह था. और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल, मैं और पायल, हम दोनों का प्लान है कि हम लोग मॉल जाएंगे बिकॉज थोड़ा सा टाइम है, शाम का इवेंट है 8 बजे के बाद का, तो वी हैव प्रीटी मच टाइम टू जस्ट रोम योर अंदर. कल हमारा टूर्नामेंट है वैसे BGMI का, तो यू नो आराध्या दी प्रो प्लेयर, ठीक है, थोड़ा लक वक दे देना थोड़ा चैट में कमेंट सेक्शन में. तो हाँ, ये मेरा आउटफिट था, आई एम जस्ट वेयरिंग जीन्स एंड टॉप. 1 hour later गाइस, अभी मैंने चेंज किया है और हम जा रहे हैं मॉल. मुझे इतनी ठंड लग रही थी मैंने चैनी लगा ली. चैनी मैं पूरा जिप अप नेक तक यार मेरा आगे का टाइम मिला था. ये मुझे झूठ बोल के बोली कि बस मैं जा रही हूँ अभी. नहीं गाइस, हम ना बहुत दिनों बाद मिले, हमें थोड़ा बिजी रहता है ना मैडम, तो थोड़ा टाइम नहीं मिलता है इसलिए हमें. तो हम अभी मॉल आए हैं. वैसे कि हमारे होटल से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था इस मॉल का, बट हमने ऑटो कर लिया क्योंकि कैब नहीं मिल रहा था और इतना चलना कौन ही चलेगा इतने ठंड में. देखो गाइस, मेरा शॉपिंग हो गया है और पिछले 4 घंटे से ना मेकअप क्रॉस कर और कुछ खरीदना ऐसा हो नहीं. बट मेकअप की ज़रूरत क्या है आपको? अच्छा लगता है नई नई चीज़ें लेना, मैं यूज़ करती नहीं हूँ बट ले लेके रख लेती हूँ. हाँ वही तो. गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं इवेंट के लिए. ये हमारा आउटफिट है मेरा. बहुत ज्यादा लेट हो रहा है इसलिए टाइम ही नहीं मिला ऐसे गेट रेडी. मैंने सोचा था कुछ बनाऊंगी ऐसे रील वील, कुछ अच्छा सा गेट रेडी विथ मी वाला, बट टाइम ही नहीं मिला, इतना ज्यादा लेट हो गया. और यहाँ पे रेडी हो रहा है, मेरा सामान फुल बिखरा पड़ा है यहाँ पे. ये है इनका आउटफिट. मैंने तो 1 piece पहना. कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है मेरा 1 piece. एंड गाइस हम आ चुके हैं अभी बस के अंदर और हम जा रहे हैं इवेंट के लिए. यहाँ से द्वारका में हमारा इवेंट है तो सब लोग अभी आ रहे हैं जल्दी जल्दी. तो अभी देखते हैं जब वो भर जाएगा, बस भर जाएगा तब हम लोग निकलेंगे. हम लोग बैक बेंचर हैं तो हम पीछे बैठ गए सबसे पीछे. गाइस हमें जाने में टाइम था तो हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं. हमने यहाँ पे पंछी, सूरज, नदियाँ और ये स्टार, पता नहीं क्या क्या बना दिया. फुल ड्राइंग बाजी कर दी हमने, क्रिएटिविटी. पहुंच गए गाइस फाइनली. चलो चलते हैं जल्दी से. गैलेक्सी वेलकम्स. किसका नाम आ रहा है गाइस? यहाँ पे सबके नाम आ रहे हैं. मेरा नाम अभी बाद में आएगा शायद से, क्योंकि अभी ये ए चल रहा है तो हो सकता है मेरा चला गया होगा. यार डबल ए पे आता है ना मेरा, तो डबल ए डी ए. सो ए के बाद बी, बी के बाद सी. वाह, हमें तो पता ही नहीं था ए के बाद ए बी सी डी आता कुछ. यार मेरा नाम आ जाता तो कितना अच्छा होता. गैलेक्सी वेलकम्स आराध्या, ऐसा दिखता ना, है ना, बहुत ही. यार यहाँ पे आके फील हो रहा है यार गाइस की ठंड है. अब आई डोंट नो यहाँ पे मैं दिखूंगी कि नहीं, बट लेट्स सी. दिख रही हूँ मैं? दिख रही अच्छी दिख रही है. मेरे पास एक और चीज़ रुक कर ले. तू फ्लैश मारेगा? हाँ और नहीं तो क्या. ले बोल बोल, थोड़ा ऊपर कर. गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सैमसंग इवेंट में और ये मैं चाह रही थी कि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँचे, बट बहुत देर लगाया. हमारे जो बस के ड्राइवर थे, उन्होंने गेट चेंज कर दिया था तो हम लोग लेट हो गए, बट हम फाइनली पहुँच चुके हैं. और हम वेट कर रहे हैं. आया था मेरा नाम? अभी आया था. आपके इसमें कैप्चर आदित्य सावंत आया था. आराध्या सावंत कब आया? आपका मानसी सावंत. अच्छा हाँ, मानसी आया. फिर हमने फोन फायर लगाया है, काफी प्यारा प्यारा, तो थोड़ा सा हीट भी महसूस करने मिल रही है. काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा वेलकम है, ऊपर एकदम व्यू है. अभी सारे क्रिएटर्स तो आ गए हैं, बस हम लोग भी वेट कर रहे हैं अंदर जाए. नेम रिवील, लोगों के फेस रिवील होते हैं, हमारा नेम रिवील होने वाला है. लेट्स गो गाइस, लेट्स गो. नेम रिवील, नेम रिवील, नेम रिवील. अभी कुछ दिन आएगा, अब तक मानस है यार मेरा. एमएन स्टार्ट हो गया ना, कब आएगा मेरा नाम, कब आएगा? मानसी आ गया. अरे यार ये आ गया, क्या गाइस मेरा नाम आ गया. ये हाय रेरबिट, हेलो, कैसे हैं आप? ये क्या होता है, कहता ऐसा कर रहा है. सुबह आए थे ना आप तो? नहीं नहीं, 5:30-6 बजे पहुँचे. अच्छा हम लोग तो सुबह ही पहुँच गए थे. अपने लोग अच्छा लग रहा है. अभी वी आर एंट्रिंग इवेंट के लिए. ये है हमारा सैमसंग अनपैक्ड. ब्राइटेस्ट इन दैट नॉट ई लो पबजी एरा. वापस करना मोई मोई. हाँ ना, बहुत ही खतरनाक. गैलेक्सी अनपैक 2024.
यहाँ पे कैमरा कैसे यूज करते हैं, एंगल्स वो सिखाया जा रहा है बाय डायनोसर, सिखा रहे हैं कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे करना है, और हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं नो ब्लॉगर्स है, प्रो ब्लॉगर्स से सीख रहे हैं यहाँ पे कैसे क्या करते हैं। कैसा लग रहा है आपको, आपका सेकेंड इवेंट होगा है ना ये? Galaxy S24 series features screens with a peak brightness of 2600 nits. These intelligent displays detect the lighting of your environment and adapt automatically to help you see your screen more clearly with three levels of brightness and color adjustment. This is the best smartphone for gamers, and who better to chat with us about this impressive gameplay? भाई फोन लॉन्च करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है points. जो अभी लॉन्च हुआ है आज, तो जैसे ही लॉन्च हुआ है वैसे ही हमने अभी चेक करने का लिया है। ये है उसका कैमरा, इसका मुझे कैमरा वगैरह पे चेक करना है क्योंकि अभी हम इससे शूट कर रहे हैं। सो लेट्स सी कैसा दिख रहा है इसका। काफी प्यारा है, देख क्वालिटी कितनी ज्यादा अच्छी है ना। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बैटरी भी बहुत अच्छा है वैसे तो। कैमरा ओपन करना एक बार। गाइस इसका कैमरा क्वालिटी देखो, ये फ्रंट फेसिंग कैमरा है, ठीक है। अगर आपको वीडियो निकालना है तो ये वीडियो वर्जन आ गया, ये आ गया इसका, ये देखो क्वालिटी है कैमरे की। क्वालिटी बहुत अच्छी है यार, क्वालिटी आई है, बहुत प्यारी क्वालिटी, बहुत प्यारी क्वालिटी है। कितनी अच्छी है, 30 fps चल रहा है, इसको 60 fps करके बेसिकली इसमें आपको HD लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी बहुत अच्छा था, काफी सारी चीजें अच्छी चीजें बनी है। अभी लॉन्च हुआ और अभी हम रिव्यू भी कर लिए, अब इस पे हमें कल गेम खेलना है, टूर्नामेंट खेलना है, देखते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है इस फोन पे। गाइस देखो, मुझे देख के आप बोलोगे नहीं कि मैं इतना खाती हूँ, लेकिन ये है रेयरबिट की प्लेट, एक कुलचा, राइस और सब्जी, हमारी प्लेट देखो। तो आप एक बार वन टाइम पे ओके हो ना, मैं अभी दो तीन बार। अरे हाँ, पिछले बार भी, पिछले इवेंट में ना पहले इसमें थोड़ा सा लेके आया, ये भी चार बार गया बार बार ले जा रहे हैं। हमारा तो वन टाइम है। गाइस इवेंट हो चुका है और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है यार, बहुत ज्यादा, और ऊपर से अंदर तो इतनी लग नहीं रही थी बट अभी बहुत ठंड लग रही है। मजा आ रहा है यार, कसम से देखो, फॉग देखो ये सब।
कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाय हम लोग कैब का वेट कर रहे हैं और जैसे ही कैब आ जाएगा फटाफट हम लोग जाएंगे। और मुझे एक होटल से दूसरे होटल जाना है क्योंकि मेरा सामान भाई के होटल में है, वो सामान लेके मुझे अपने होटल जाना है, फिर चेक इन करना है, तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा। मुझे ऑलरेडी नींद आ रही है और कल सुबह का भी वापस से 11 बजे हमें वहाँ पे रहना है क्योंकि कल दूसरा मतलब सेम इवेंट का ही अलग वाला पार्ट है, लाइक टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने हैं, BGMI खेलना है हमें। तो लेट्स सी क्या होगा, कैसा होता है।